यह खबर रेवाड़ी से हरियाणा के रेवाड़ी सीमा से सटे राजस्थान के भिवाड़ी में ज्वेलर की हत्या के विरोध में रेवाड़ी ज्वेलर्स एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। 12 बजे तक रेवाड़ी में ज्वेलरी प्रतिष्ठान रहे बंद। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। हरियाणा के रेवाड़ी सीमा से सटे राजस्थान के भिवाड़ी में कार में सवार होकर आए बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम में घुसकर शोरूम के मालिक व स्टाफ पर पहले तो लाठी डंडों से वार किया और लाखों की ज्वेलरी लूटने के बाद शोरूम मालिक की गोली मार दी, जिसकी उपचार के दौरान आज मौत हो गई। तो वहीं दूसरी ओर शोरूम मालिक का छोटा भाई व एक स्टाफ सदस्य अस्पताल में उपचार चल रहा है। एक्चुअली हमारे ज्वेलर्स एसोसिएशन में एक हमारे साथी हैं जो भिवाड़ी में, जिन्होंने दुकान कर रखी है कमलेश ज्वेलर्स के नाम से, जस्सू भाई। यहाँ पे हमारे रेवाड़ी पुराने प्रधान जी होते थे, श्री अर्जुन लाल जी, उनके सुपुत्र हैं वो। तो उनके साथ कल रात को 5 बदमाश गुंडे आए, जिन्होंने उनकी दुकान में घुसकर पहले लाठी डंडे से वो किया और फिर उन पर गोलियां बरसाई, दुकान भी लूट गए और हमारे भाई जस्सू को जान से मार भी गए। उनके एक भाई वहाँ सीरियस भी है और एक उनका स्टाफ है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके लिए आज हमने अपने सारे रेवाड़ी के प्रतिष्ठान ज्वेलर्स एसोसिएशन के, जिसमें हमारे स्वर्णकार बिरादरी भी है, कारीगर भी हैं, गलाई वाले भी हैं, सबने हमारा 10 से 12 बजे तक हमने बंद कर रखा था, जिसमें हमने सबने पूर्ण रूप से बंद रखा। उस बंद के बाद हम आज एसपी साहब से मिलने आए थे कि हमारे साथ ये वारदातें पहले भी हो चुकी हमारे रेवाड़ी में, उसको संज्ञान में लाने के लिए हम नए एसपी साहब जो आए हैं उनसे मिले हैं। हम उनको हमने कहा कि हमारे राइडर की फैसिलिटी हमें दी जाए और ये वारदात ऐसी दोबारा ना हो, उसके लिए